मध्य प्रदेश में जब से विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, तभी से ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सुर्खियों में बने हुए हैं। लगभग हर दिन वो ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे उनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक हो रही हैं। इस बार वे जिस बात को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, वो बात कहीं ना कहीं सीएम शिवराज को लेकर मध्य प्रदेश के कई दिग्गजों को खल सकती है। बीते दिन उन्होंने मंच से भाषण देते हुए कहा कि अकेले विधायक बनने नहीं आया हूं, कुछ बड़ा होगा। दरअसल बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को इंदौर के बाणगंगा में आयोजित लाड़ी बहनों के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, मैं केवल विधायक बनने के लिए नहीं आया हूं, मुझे कुछ और भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी की ओर से यदि बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो बड़ा काम भी करूंगा। विजयवर्गीय के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है, क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में जल्द बजेगा चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग की अहम बैठक कल। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया है। गुरुवार को तेलंगाना की तैयारियों को देखा गया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इलेक्शन के लिए पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है। मतदान निकाय ने लोकतांत्रिक अभ्यास के सुचारू संचालन के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मॉडल कोड से प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। निर्वाचन आयोग की ओर से गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। पीएम मोदी ने की द वैक्सीन वॉर मूवी की तारीफ, बोले निर्माताओं को वैज्ञानिकों को महत्व देने के लिए बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में एक चुनावी रैली में द वैक्सीन वॉर मूवी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं निर्माताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने वैज्ञानिकों और विज्ञान को महत्व दिया। कोविड के दौर में वैज्ञानिकों ने दिन रात कड़ी मेहनत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने सुना है कि एक फिल्म आई है द वैक्सीन वॉर। भारत में कोविड 19 से लड़ने में के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात कड़ी मेहनत की। ये सारी चीज़ें उस फिल्म में दिखाई गई हैं। पीएम मोदी ने आज पहले कहा है, मैं इस फिल्म के निर्माताओं को इस फिल्म को बनाकर वैज्ञानिकों और विज्ञान को महत्व देने के लिए बधाई देता हूं। कैबिनेट में पास हुआ मंडी शुल्क में छूट का प्रस्ताव। भोपाल पहुंचे मंडी व्यापारी, 0.5% घटाने का निर्णय। लीज प्रकरणों में भी राहत। इंदौर में मंडी शुल्क में राहत के मामले पर सरकार की घोषणा पर बुधवार देर रात मोहर लग गई। प्रदेश सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में मंडी शुल्क को घटाने का प्रस्ताव रखा गया था। मंडी टैक्स में राहत देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के 15 दिनों बाद अब मंडी शुल्क में छूट का आदेश जारी होगा। 20 सितंबर को इंदौर में मुख्यमंत्री ने मंडी शुल्क में 0.5% छूट देने का ऐलान किया था। इसी आश्वासन के साथ व्यापारियों ने 16 दिन से जारी हड़ताल खत्म कर दी थी। मध्य प्रदेश में एक एक बार टूटी है भाजपा और कांग्रेस, मुख्य मुकाबला भी इन दोनों के बीच। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति की करें बात तो यहां बेशक मुकाबले में दो ही दल रहते हैं, लेकिन अधिकतम 90 दल भाग अपना आजमा चुके हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी मुकाबला दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता है। प्रदेश में दोनों पार्टियों का इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि एक एक बार इन पार्टियों को अपनों की बगावत के चलते टूटने का दर्द सहना पड़ा था। प्रियंका वाड्रा धार के राजगढ़ में बोली, मध्य प्रदेश में राजा जा रहा है, 18 सालों में 250 से ज्यादा घोटाले हुए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रसिद्ध जैन तीर्थ मोहन खेड़ा तीर्थ में पूजन किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश में धार जिले के राजगढ़ से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। राजगढ़ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं, तब भी जांच करने के लिए यहां ईडी को नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि मैंने यहां कुछ युवाओं से मध्य प्रदेश का हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राजा जा रहा है, हम इस बार रोजगार के लिए वोट देंगे। पीतांबरा पीठ में जगह नहीं तो होटलों में अनुष्ठान करा रहे चुनावी राज्यों के नेता। हालत यह है कि दतिया में पीठ से जुड़ी पुजारी और साधकों ने अपने निवास स्थानों पर ही पूजा स्थान बना रखे हैं। पीतांबरा पीठ की मां बगुलामुखी को शत्रुहंता के साथ साथ राजसत्ता की देवी माना जाता है। वैसे तो साल भर यहां राजनेताओं की कतार लगी रहती है, जाप अनुष्ठान होते रहते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक होने से
दावेदार मां की शरण में पहुंच रहे हैं। कमलनाथ ने फर्स्ट टाइम वोटर से की अपील, कहा अपने और प्रदेश के भविष्य को सामने रखकर अपना वोट डालें। इस बार मध्य प्रदेश में 22 लाख युवा पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कमलनाथ ने युवाओं से की है कांग्रेस के समर्थन में सीधी अपील। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के फर्स्ट टाइम वोटर से अपील की है कि वो अपने और प्रदेश के भविष्य को ध्यान में रखकर वोट डालें। इस बार मध्य प्रदेश में लगभग 22 लाख युवा पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्हें संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का ये आंकड़ा कांग्रेस के लिए उत्साहजनक है, क्योंकि वे प्रगतिशील, संकीर्ण सोच से परे और भविष्य उन्मुखी होते हैं। इसी के साथ उन्होंने युवाओं से कांग्रेस के समर्थन में सीधी अपील की है। कमलनाथ ने युवाओं से किया है आह्वान। जी हां, कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 22 लाख से ज्यादा युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। कांग्रेस इन फर्स्ट टाइम वोटर्स का अभिनंदन करते हुए आपसे अपील करती है कि आपने और अपने प्रदेश के भविष्य को सामने रखकर वोट डालना है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक का आयोजन कल देर शाम सीएम हाउस में किया गया। इस बैठक में 100 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में महिलाओं को लेकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण देने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि सीधी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। सीएम शिवराज की इस घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का फार्मूला लागू होगा। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये शिवराज सरकार का एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। फिलहाल महिला आरक्षण प्रदेश में 33% ही है। मध्य प्रदेश में प्रताड़ित महिलाओं का सहारा बनेगी वसुधा दीदी, कोटवार की तर्ज पर होगी नियुक्ति। ये महिलाएं गांव में किसी भी तरह के महिला उत्पीड़न का मामला होने पर तत्काल जिला स्तर पर सूचना देंगी। झाबुआ जिले में महिला अत्याचार की जानकारी तेजी से जवाबदारों तक पहुंचाने के लिए जिले में अभिनव पहल की जा रही है। इस पहल को वसुधा अभियान नाम दिया गया है। इसके तहत कोटवार की तरह गांव-गांव में साक्षर महिलाओं की विशेष तैनाती की जा रही है। ये महिलाएं गांव में किसी भी तरह के महिला उत्पीड़न का मामला होने पर तत्काल जिला स्तर पर सूचना देंगी। जहां साक्षर महिला नहीं मिलेंगी, वहां किसी लड़की को या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उक्त दायित्व दिया जाएगा।